दोस्तों लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास ये एक बोर्ड आया हुआ है आसूस का, जिसका कि पार्ट नंबर आप यहां देख सकते हैं X553MA। और बोर्ड देखने में तो काफ़ी फ्रेश लग रहा है, लेकिन यहां पर चार्जिंग आईसी वगैरह चेंज लग रही है। अभी मैं आपको क्लोजअप करके दिखा दूँगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए, मैं जैसा कि आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि नॉर्मली जब कोई ये सवाल करता है हम लोगों से कि भाई कभी ऑन हो रहा है कभी ऑन नहीं हो रहा है, तो अंदाज से कोई भी चीज़ नहीं बताई जा सकती। ठीक है, अंदाज क्या लगा सकते हैं हम कि जैसे अगर मान लीजिए मैं इसी को पूछूं कि भाई ये ऑन नहीं हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे इसमें? इसमें RTC की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें IO की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें 19 वोल्ट बायसिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, S0 स्टेट नहीं बन रहा होता है, या समटाइम आपको लग रहा होता है कि वो ऑन नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, तो अंदाज नहीं कर सकते। तो अभी मैं पावर सप्लाई को ऑन करूँगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई को आप देखेंगे, ऑन किया तो ये देखिए कितना लोड ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ या तो ऑन हो रहा है या शॉर्ट है, दो में से एक ही बात होगी ना। जब ज़्यादा लोड ले रहा होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये इतना तो नहीं होना चाहिए, अगर मैं पावर बटन दाबूँ तो ऑन होना चाहिए। बट आसूस में जैसे सीमा सेल नहीं हो या RTC अगर डिटेक्ट नहीं करे, तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये जो है अगर RTC के बिना ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, तो ऑन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो छू के भी देखना पड़ सकता है कि कहीं पर कुछ गर्म वगैरह तो नहीं हो रहा है। इस तरफ तो नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ पर हल्का सा 3-5 मुझे गर्म लग रहा है। ग्लोव्स के बाद भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है यहाँ पर गर्म है, तो 3-5 गर्म हो रही है। तो 3-5 में क्या चीज़ है प्रॉब्लम? तो बोर्ड तो देख लिया आपने, मुझे मकसद था कि जो ये मोबाइल से मैं कैप्चर कर रहा हूँ कि ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये बोर्ड कौन सा है। और कॉमनली ये बहुत ज़्यादा आता है रिपेयर होने के लिए, तो ये सेलरॉन और डुअल कोर में होता है और कॉमन सी प्रॉब्लम ही है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अब मैं माइक्रोस्कोप पर जूम करता हूँ और पूरा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही X553MA का मॉडल है और मैंने आपको कंडीशन दिखाया और पावर सप्लाई दिखाया कि क्या लोड ले रहा है। अभी मैं ये आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये चार्जिंग ऐसी चेंज की हुई है और थोड़ा सा कार्बन मुझे यहाँ पर लग रहा है बैटरी के एरिया के पास। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीनिश जो है ये हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम का रीज़न हो। तो अभी जो हमने पावर डाला, तो ये जो लोड उठा रहा है 170, 175, 180 के करीब, ये क्यों इतना लोड उठा रहा है इसकी जानकारी हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये 3-5 की आईसी है और कौन सी है, तो ये यूपी की कोई आईसी है। तो ये जो यूपी की आईसी होती है, यूपी की 58590 ऐसा ही कुछ नंबर है। तो यहाँ पर थोड़ा जला भी लग रहा है, बहरहाल जो भी है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। इसका 14 और 15 नंबर पिन LDO होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भली भांति दिख रहा होगा कि यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 5 इधर हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 14 पर देखते हैं कितना बन रहा है। तो मल्टीमीटर तो है ही नहीं, कैसे देखेंगे? चलिए अब देखिए कितनी वोल्टेज है, 5.6, गलत है, ये कितनी है, 1.7। तो यानी कि हमारी LDO बैठ गई है, जिसकी वजह से अब ये रीज़न 3-5 की खराबी के कारण भी आता है और कुछ और भी आता है। बट एक बात की मैं गारंटी आपको दूंगा कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट निकालने के लिए अगर आप यहाँ पर जंपर लगाते हैं तो नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि नॉर्मली जंपर से शॉर्टिंग तो निकल जाती है, बट ये कुछ स्पेशल है, कुछ खास है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो यानी कि अगर आपने समझा कि भाई 5 में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि 5 निकल जाए लेकिन 5 में कुछ वोल्टेज बन रही है, तो आप यहाँ पर भी जंपर जोड़ेंगे तो कुछ गर्म नहीं होगा। और ज़्यादा अगर वोल्टेज डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, 3-5 कैसी ख़राब हो जाएगी। 3 में लगाएंगे तो 3 पर भी कुछ वोल्टेज बन रही है, इसलिए प्रॉपर शॉर्टिंग नहीं है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, 3-5 खराब हो सकती है, एक रीज़न यहाँ पर ये है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ऐसे में 3-5 ख़राब नहीं होती है। अब देखते हैं कि चेंज किया भाई क्या, बिल्कुल चेंज तो नहीं लग रही है, बट चलिए जो भी हो, हम ये कह सकते हैं कि 3-5 अभी ख़राब नहीं है।
इसको कैसे बोलने का तरीका क्या होता है कि 3-5 क्यों खराब नहीं है? अच्छा, हमें जो वोल्टेज चाहिए वो तो ये चाहिए कि भाई 3 वोल्ट और 5 वोल्ट यहाँ पर बननी चाहिए अगर ऑन हो जाता तो। तो ये ऑन नहीं हुआ है, ये सबसे पहली बात। हाँ, चेंज किया गया, किसी बंदे ने इसको अच्छे तरीके से देखा, देखिए 3-5 बनाने के लिए कितना मेहनत किया गया है कि एक तो मॉस्फेट सारी चेंज है, तो पक्का ये भी चेंज हुई होगी, ठीक है, लग नहीं रहा लेकिन बड़ा साफ सुथरा चेंज हुआ है, ठीक है, तो ये भी चेंज हुई है। तो बंदे को भी पता है जिसने भेजा मेरे पास, उसे भी ये बात पता है कि भाई ये काम नहीं कर रही है, ठीक है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास इस तरह का केस आए तो इसको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, ये आपसे मिस ना हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बने रहिए, क्योंकि अगर इसको मिस कर दिया तो फिर आपको भी किसी के पास भेजना ही पड़ेगा। आप भी क्या करेंगे, 3-5 चेंज करेंगे, उसकी कुछ फेट्स चेंज करेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, चार्जिंग ऐसी जैसे इसने चेंज किया है, आयो बस बच गई है, तो ठीक है, आयो से भी हो सकता है। तो इसको किस तरह से हम एग्ज़ामिन करते हैं, तो देखिए मैं थोड़ा सा कुछ एक डायग्राम ऐसा खोलता हूँ जिस पर मैं कुछ लिख पाऊँ, कोई सा भी एक डायग्राम ले लेता हूँ मैं, नहीं ये तो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, कोई भी डायग्राम नॉर्मल मेरे पास लिखने के लिए तो यहाँ पर कुछ है नहीं। यूजुअली मैं आपके लिए जो केस स्टडी बनाता हूँ वो घर से बनाया करता हूँ, और इसमें बहुत खाली पेज होता है, ठीक है, इसलिए मैं इसका देखिए बीच बीच में खाली खाली ब्लैंकिंग ब्लैंकिंग पेज काफ़ी होता है, तो हमें भी याद रहता है कि भाई लिखने पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है। तो अभी मैं ये बता देता हूँ कि जो आपकी 3-5 की आईसी होती है, 3-5 वाली जो आईसी होती है, इसके अंदर जो LDO बनती है सबसे पहले तो वो बनेगी, तो 20 पिन वाले आर्टिचर में 3 वोल्ट तो पक्का है कि एकदम बनेगी, 5 समटाइम आपको मिलेगी जब S5 और EC ऑन वगैरह आएगी, ठीक है, इतना तो आप लोग भी जानते होंगे। अभी हमें 3 वोल्ट LDO चाहिए, तो 3 वोल्ट LDO चाहिए जो LDO डिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज़ पर, यानी ये आपकी जैसे यहाँ विन आई और ये निकलेगी, इसके लिए कोई अनेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 20 पिन वाले आर्टिचर जितनी भी होती है, 3 की LDO के लिए किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये निकल जानी चाहिए। तो हमें निकल तो रही है बट 1.5 वोल्ट या समथिंग निकल रही है। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे गेस कर सक रहे हैं कि जो है 3-5 को चेंज करने लायक है या नहीं है, या MOSFET चेंज करने लायक है या नहीं है, तुक्का क्यों मारेंगे। 3-5 LDO निकलनी थी और इसको कहाँ कहाँ जाना था, इसको जाना था ऑन ऑफ स्विच पर, तो ऑन ऑफ स्विच पर तो कुछ खास हो नहीं सकता है, एक ऑन ऑफ स्विच होता है और साथ में जुड़ा होता है आयो, ठीक है, आयो जुड़ा होता है, एक ये आयो हो गई, ठीक है, आयो, तो एक पॉइंट तो आयो पर जाती है, दूसरा कहाँ जाती है, दूसरा जाती है हमारी SM बस पर, तो SM बस पर एक चार्जिंग ऐसी होती है और एक आयो होती है, ये चार्जिंग ऐसी हो गई और ये साथ में लगी हुई आयो सेम, ये इसी के लिए प्रॉब्लम होता है यहाँ पर ऑफिस में वीडियो बनाना, चूँकि यहाँ पर स्लेट नहीं है मेरे पास, चलिए ऐसे ही दिखा देता हूँ, समझ लीजिए भावनाओं को, आप लोग इतना प्यार तो करते हैं ऐसे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी या फिर आयो हो सकती है, ये आयो हो गई, फिर कहाँ जाती है, एक RTC सेक्शन हो गई, तो RTC सेक्शन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जनरली तो वहाँ पर 20 किलो ओम वगैरह लगी रहती है। और कहाँ जाता है, तो SM बस हो गया, चार्जिंग आईसी का एरिया हो गया, ऑन ऑफ स्विच हो गया, और RTC, ये खास पॉइंट है, और कुछ जगह थर्मल पर भी जाता है, इतना सारा पॉइंट है हमारे पास लड़ने रबड़ने के लिए। तो बस यही देखेंगे हम, कहीं ये LDO इन सब चीज़ों की वजह से तो नहीं रुका हुआ है, इतना ही कन्फर्मेशन चाहिए। क्या क्या बताया मैंने कि LDO खुद भी ख़राब हो सकता है, इसकी कैपेसिटर भी ख़राब हो सकती है, बट इतनी अच्छी किस्मत होती नहीं है हम लोगों की कि एक कैपेसिटर छोटा सा ख़राब मिल जाए। होता क्या है कि समटाइम ये चार्जिंग आईसी पर जाके ख़राब होती है, तो जिसकी वजह से इसका असर पड़ रहा होता है LDO पर, और LDO कम हो जाती है, या समटाइम ऐसा होता है कि थर्मल का एरिया ख़राब हो गया है जिसकी वजह से ये कम हो जाती है, समटाइम RTC आपका ख़राब हो जाता है। तो RTC में ख़राब होने लायक क्या क्या चीज़ें, RTC में तो RTC रीसेट है, RTC SR रीसेट है, ये हो गया। तो इसको आइए हम लोग माना करते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चल रहा है ये। तो इसके लिए मैं बोर्ड व्यू इसका ओपन करता हूँ, तो ये है बोर्ड व्यू इसका 2.0, ये है बोर्ड व्यू, और इसमें जो हमें वोल्टेज बन रही है ये कहाँ पर बन रही है, बैक साइड में, यहाँ पर वोल्टेज बन रही है, चूँकि इसका तो डायग्राम होता नहीं है ना, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे आप,
ये बोर्ड व्यू से करेंगे आप, तो ये 5 वोल्ट का एरिया है, इसको नहीं चेक करेंगे, हाँ, क्योंकि ये बाद में बनती है तो अभी हम इसको देखते भी नहीं है, समटाइम एक साथ ही बन जाती है, ठीक है, वो लॉजिक आपको पता नहीं होगा अभी। तो यहाँ पर आपको 3 वोल्ट बननी थी और PSL लॉजिक है, नॉर्मली एक जम्पर लगा हुआ है यहाँ पर, PSL लॉजिक जानते हैं आप, पावर स्विच लॉजिक होती है, तो यहाँ पर से 3VA बन जाएगा ये, जैसा कि ASUS में इसका आर्किटेक्चर इसी तरह से होता है कि पावर ऑन सीक्वेंस इसका इसी तरह से लिखा जाता है कि VO होती है, VA बन जाती है। और ये कहाँ जा रही है, तो ये इतना सारा पॉइंट है, ये IO के इतने सारे पॉइंट पर जा रही है, इस पर जा रही है, कुछ एरियाज है जो दिखा रहा आपको येलो येलो मार्किंग है, यहाँ यहाँ जा रही है, ये इसमें से कुछ एक हो सकता है। तो अगर आप इसको डायग्नोस ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे आपको मैं यहाँ दिखाऊँ, इसको अगर मैं यहाँ से काट दूँ बीच से, या इस एरिया को यहाँ से काट डालूँ, यहाँ से काट देते हैं या यहाँ से बीच से काट देते हैं, तो क्या होगा कि वो एरिया अलग हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी LDO बनी कि नहीं। या दूसरा एरिया क्या होता है कि हम एक एक करके इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को काट करके देखें। तो एक बात मेरी याद रखिए आप कि एक RTC एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कोई भी रजिस्टर बीच में नहीं आती है पहले LDO के लिए, बाकी एरिया पर गौर किया जाए तो ऑन ऑफ स्विच के बीच में एक जहाँ पर LDO लेता है एक 100 किलो की रजिस्टर लगी रहती है, SM बस जहाँ पर लेता है वहाँ पर 2 किलो या 4 किलो या 10 किलो की एक रजिस्टर पुल अप में होती है, तो इन सब से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हमें नीचे की वोल्टेज कम हो सकती है, SM बस की वोल्टेज कम हो सकती है अगर ख़राब है तो, बट ऊपर LDO को रोक दे ऐसा मुमकिन नहीं है, कम चांसेस है। तो हमारा एक RTC का एरिया ही है जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट LDO पहुँचता है डायोड के ऊपर, जो एक तो CMOS सेल से लगी होती है और दूसरी लगी होती है LDO से डायरेक्ट बिना किसी तकलीफ के, यहाँ से डायरेक्ट आई है, यहाँ लग गई है। अब अगर इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे ये एरिया शॉर्ट हो जाए, ये एरिया शॉर्ट हो जाए, तो यहाँ ये क्या करेगा, ये तो वोल्टेज को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, तो पीछे के वोल्टेज को भी ड्रॉप कर देगा ये, यानी इसका तो वे ऐसा ही होता है ना कि एनोड है और इधर कैथोड है, और ये क्या करेगा, इधर की जो भी वोल्टेज आ रही होगी सिंक करा रहा होगा ग्राउंड में और मांग रहा होगा, अब इसके पास ख़त्म होगा ये LDO, तो ये तो कम हो जाएगा। तो एक रीज़न यहाँ पर हो सकता है कि इसकी डायोड ख़राब हो सकती है, तो चला देखते हैं ज़रा कि क्या डायोड ही ख़राब हुई है। तो कहाँ दिखा रहा था ये, ये है पोर्ट व्यू, तो यहाँ पर RTC VA RTC, ठीक है, R से हम पहले पहुँच गए यहाँ पर, उसके बाद 3 वोल्ट VA से यहाँ पर एक 0 ओम का लगा हुआ है, जनरली कोई बीच में बड़ी ओम की रजिस्टर नहीं देखी है LDO के साथ, यानी जब RTC में कन्वर्ट होगा डायोड के पहले 0 लगा दिया है इसने, तो 0 ओम की रजिस्टर लगी हुई है, लिखा हुआ दिख भी रहा आपको। और इसके बाद ये यहाँ से गई एक नंबर पिन पर, अगर इस एरिया में शॉर्टिंग होती है तो आपको क्या होता है, ज़्यादा चांसेस यानी 98% मान लीजिए, 98% चांस है कि अगर RTC का ये एरिया शॉर्ट बोला तो PCH चली जाती है, ये हम लोगों ने तजुर्बा किया हुआ है कि अगर आपका डायोड का ऑट एरिया अगर आपका शॉर्ट बोलता है तो 98% चांस है कि PCH चली गई है। तो इसके अंदर तो SOC स्ट्रक्चर है, तो यानी ये यहाँ जा रहा है, ये अकेला एक बिंदी जो है बेचारा पूरे बोर्ड को ले डूबेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि CPU भी चला गया हो, तो हम कस्टमर को क्या एस्टिमेट देने वाले हैं कि ये 1200 रुपये में होने लायक है या फिर CPU का एस्टिमेट देंगे, क्योंकि ये CPU भी अवेलेबल है मेरे पास, तो CPU भी लगा देंगे। तो पहले यहाँ तो ये कंफर्म कर लेते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं और ये कंफर्म कर लेते हैं कि क्या मेरा ये एरिया शॉर्ट है, तभी तो मुझे LDO की सही से 3 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं मिल रही है। तो इसको पीप कर लेते हैं और चेक करते हैं, कौन सा एरिया चेक कर रहे हैं, RTC का, तो आपको भी दिखना चाहिए, हाँ 14 ओम आ रही है। देखिए ये इस तरफ जो आ रही थी 0 ओम लगा हुआ है, 0 ओम से LDO बेचारा 3 वोल्ट इधर आया, इधर से आया, अब 3 वोल्ट
ये तो ग्राउंड ही है करीब 14 ओम, तो मतलब ग्राउंड ही कहेंगे, ओपन होना चाहिए था। अब ये 3 वोल्ट इस तरफ से इस तरफ आकर के सिंक हो रही है, तो अब इसे मांगती जा रही है। अब एलडीओ की भी तो एक कैपेबिलिटी है ना कि कुछ सर्टेन करंट ही होता है उसके अंदर, वो सिंक हो जा रही है, तो वो फिर क्या करेगी? अब बचा नहीं करंट तो क्या बचा? वोल्टेज, वोल्टेज को चूस रहा है वो, तो वोल्टेज जो चूस रहा है तो करीब आपको 1 या 1.5 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। अभी ये एरिया जब शॉर्ट बता रहा है तो हम डायग्नोस कर लेते हैं कि क्या हमारी 3-5 सही है, तो यहीं पर से एक ही पॉइंट में आपका क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैं इसको निकालता हूँ उसके बाद अगर 3-5 का एरिया सही होगा तो आपको दिखा देगा कि हाँ 3-5 बन चुका है, नहीं तो आप लड़ते भिड़ते रहेंगे। इस तरफ का एरिया डायोड का शॉर्टिंग है और आप इधर जंपर मार के नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली आपको चलना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जो है सर्किट को कैसे ट्रेस किया जाता है। ये हमने निकाल दिया डायोड, अब ऑन करते हैं। तो अब लोड ठीक लेने लगा ये। अब जब लोड ठीक ले रहा है तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारी एलडीओ ठीक हो गई। तो 5 वोल्ट चेक कर लेते पहले, तो 5 वोल्ट अब प्रॉपर बन गया। 3 वोल्ट देखते हैं, 3.3 वोल्ट भी प्रॉपर बन गया। तो यानी हमें एक बात तो यहाँ पर ये तय हो गई कि इस वाली शॉर्टिंग को आप इंजेक्ट कर करके नहीं पता कर सकते हैं। जिस बंदे ने ये बोर्ड भेजा है, ये बात तो मेरे ख्याल से जब इतना चीज़ चेंज कर रहा है उसे भी पता है कि क्या ढूंढ रहा है वो, तो इसकी जानकारी तो होगी और ये शॉर्टिंग निकालने की कोशिश भी की गई होगी बट निकलेगा नहीं, ठीक है? आप भी ट्राई करिएगा कभी। तो इसको लॉजिकली निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि डायरेक्ट कहाँ जाती है और इनडायरेक्ट कहाँ जाती है। ये इनडायरेक्ट एरिया है जहाँ पर शॉर्टिंग है और ये सारा असर पड़ रहा था उस डायरेक्ट की वजह से। डायरेक्ट ऑट में शॉर्ट है और इनका वो करंट खींच रहा है, तो ये शॉर्टिंग से तो निकलेगा नहीं, यानी इंजेक्ट करके नहीं निकलेगा। तो आपको ऐसे ही पता करना है कि ये शॉर्ट है। अब तो हमें 3-5 मिल गई, मतलब एलडीओ मिल गई, तो देखते हैं 3-5 ही बन गई क्या। तो देखिए आप कॉइल पर भी आप मिल गई, ये बंदा कितना मेहनत कर चुका बेचारा कि यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आ रही है अभी, ये देखिए तो 3-5 भी हमें मिल गई। यानी जो एरिया सही है उसको ही सही करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है? कि जो एरिया ऑलरेडी सही है, ये तो सही है ना, अभी तो प्रॉब्लम था, ये सही है और इसी को सही किया जा रहा है। ऐसा भी कहीं रिपेयरिंग होता है, ठीक है? तो सही एरिया को और सही किया जा रहा है, तो ऐसा तो रिपेयरिंग नहीं होता है। तो यानी कि थोड़ा सा आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए, बहरहाल आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अगर मैं उसमें थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ आप लोगों की, बहुत सारा कॉमेंट भी देख करके तो ऐसा दिल गार्डन गार्डन हो जाता कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो है अगर मेरा एफर्ट आपके लिए काम आ रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ये भी एक सबाब जारिया है। तो 3-5 हमें मिल चुकी है। अब वो एरिया, चूँकि देखिए वहाँ पर एक, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एडवांस है, एक डीसीपी आरटीसी होता है, यानी डीकॉपलिंग आरटीसी होता है, एक कैपेसिटर लगी होती है पावर सेक्शन में। अब सोचिए कितना परसेंट चांस है कि आरटीसी का सारा पॉइंट जा रहा है पीसीएच के अंदर और आउटसाइड में सिर्फ एक अकेली कैपेसिटर है जो खराब होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखें कि कितनी अच्छी किस्मत है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है ये। तो हम ऑट में जैसे ढूंढते हैं तो ये आर है, आर नहीं खराब होगा। आर कैसे खराब हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कि हमने ये गया, यहाँ से हमने क्लिक किया तो ये गया इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर शॉर्टिंग आएगी तब तो पीसीएच के अंदर, तो इस होना क्या चाहिए था, तब तो यहाँ वोल्टेज बननी चाहिए थी। तो ये एरिया शॉर्ट अभी नहीं है, ना ही ये एरिया शॉर्ट है। कैपेसिटर कहीं पर दिख रहा है वो देखना है, क्योंकि अगर रजिस्टर के किस तरफ शॉर्टिंग आएगी, अगर मान लीजिए सीपीयू इस तरफ से ख़राब हुआ है, इधर जा रही है, तो इस तरफ की तो वोल्टेज बननी चाहिए थी ना, इसलिए तो 20 किलो ओम लगा रहता है कि आपको वो उस तरफ रोक देगा, उधर वोल्टेज नहीं जाने देगा, ठीक है? अभी कल ही मेरे पास G07EP वाला बोर्ड आया था, उसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि इस तरफ वोल्टेज जा ही नहीं रहा, सीपीयू शॉर्ट थी आरटीसी की वजह से। तो ये वाला एरिया एक कैपेसिटर तो मस्ट है एकदम, जो डीकपलिंग के लिए लगा रहता है, ये वाला कैपेसिटर,
इसका कंडीशन क्या है। ये वाला कैपेसिटर आप पहले आपको दिखाएं तो बहुत बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। ये देखिए थोड़ा सा कार्बन दिखा, ये तो वही है। ये एक दो मैच कर लीजिए, एक दो, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, यही है ना। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैच कर लीजिए। यही चीज़ है, इसके बगल में खड़ा हुआ है कैपेसिटर, यानी यही कैपेसिटर है। और इसकी वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं कि कितना ओम आ रही है। तो बहुत अच्छी किस्मत होगी, अच्छा कुछ कर्म करते होंगे तो उसका भी नतीजा निकलता है कि ऐसे केस में कैपेसिटर ख़राब निकल जाता है। अदरवाइज बहुत सारे केसों में देखा है मैंने कि आरटीसी ही ख़राब हो जाती है। ये कैपेसिटर भी बोल रहा होता है बट कैपेसिटर ख़राब नहीं निकलती है, बट कभी कभार लकली ऐसा होता है। मेरा मकसद तो ये नहीं था कि सॉल्यूशन दिखाऊं आपको, नॉर्मली मकसद क्या था कि एक ऐसी शॉर्टिंग भी होगी जिसमें आपको इंजेक्ट कर करके नहीं पता चलेगा, और वो है आरटीसी की शॉर्टिंग। ठीक है, अब ये ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कस्टमर को देंगे एस्टिमेट सीपीयू का, मतलब नहीं क्यों नहीं तो गुंजाइश नहीं रखता मैं कि नहीं होगा, हो कोशिश रहेगी। जो चीज़ अवेलेबल है, जैसे इसका प्रोसेसर है तो हो जाएगा, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन जो 6th, 7th, 8th जनरेशन वाले हैं उसका प्रोसेसर ही नहीं मिल रहा तो फिर कहाँ से करेंगे रिपेयर। ठीक है, तो इसको हम पावर खोल देते हैं और चेक करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू आ रही है। 13 ही है क्या? ये तो बहुत आ रही है, ये साइड तो 0 है, मेरे ख्याल से यही खराब है। तोड़े क्या? तोड़ ही देते हैं, लगाना ही पड़ेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। टूट भी नहीं रहा है, अच्छा हाँ टूट गया, देखिए कैसा टूटा। ठीक, हट गई हट गई हट गई हट गई। तो मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएगा, मतलब बिना किसी जतन के कम ही खर्चे में कस्टमर का बेचारे का हो जाएगा, नहीं तो हार्ट अटैक की नौबत पड़ जाती है सीपीयू वगैरह का जब नाम सुन करके कस्टमर की। कैपेसिटर यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा वैल्यू हम मेज़र कर लेते हैं कि अब वैल्यू आ कितनी रही है इसकी। अस्सी किलो ओम। ठीक है, एक एरिया और मुझे लग रहा है जो पहले दिख गया था मुझे, वो है ये बैटरी का एरिया, बैटरी बी प्लस मेगा ओम आ रही है। पता नहीं ये क्या है, कार्बन है इतना, थोड़ा सा भी पानी गया होगा, यानी आप सोचिए कि कितना सा पानी गया होगा कि एक एरिया सिर्फ एक कैपेसिटर, वो भी आरटीसी का कैपेसिटर सड़ा है। ठीक, जिसकी वजह से बोर्ड में प्रॉब्लम आई है और बोर्ड असम से चलता फिरता यहाँ तक आ गया। चलिए शॉर्ट तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, मैंने एकदम अच्छे तरीके से चेक कर लिया है, बस खाली कार्बन है। आने वाले दिन में हो सकता है ये भी सड़ जाए, तो उसके लिए सिलिकॉन वगैरह लगा देंगे। तो अब जरा एक बार बाद में मैं लगा लूँगा, वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो जो कैपेसिटर है मैं बाद में यूज़ कर लूँगा, बट अभी सिर्फ कंडीशन देखते हैं कि क्या ये ऑन होता है या नहीं, या शॉर्टिंग हटी है कि नहीं। तो अभी तो सेम कंडीशन रहेगा, मुझे आरटीसी लगाना पड़ेगा। यानी एक चीज़ तो तय हुई कि ऐसी भी शॉर्टिंग आ सकती है, तो ये वाला लगा लेते हैं ना, तभी हमारा पता चलेगा कि ऑन हुआ है कि नहीं, नहीं तो ऐसे ही लटका रहेगा ये।
और कमाल की बात यह है कि आरटीसी की ये डायोड भी निकाल के देखी जा चुकी है, ठीक है, मतलब जहाँ से आया था उन्होंने देखी है, यानी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन पता नहीं ये क्यों नहीं कर पाए, या उनको ये बात पता नहीं होगा कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी आरटीसी के एरिया में। देखिए लॉजिक से काम करेंगे ना अगर, कि भाई क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है आरटीसी का। हाँ बार बार उड़ जा रहा है ये, देखिए बात करने के चक्कर में होता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट सारी पता होती है कि क्या क्या चीज़ और क्यों चाहिए होता है, तो फिर आराम से रिपेयर करेंगे आप। ठीक है, अब मैं पावर लगा रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, अभी मैं फिर मोबाइल से बना के दिखाऊंगा कि क्या कंडीशन हुई है, पहले यहाँ से देख लेते हैं। बोर्ड ऑन हुआ, ऑफ हो गया, ऐसा क्यों हो रहा भाई? वोल्टेज बनी, वोल्टेज 3.3 वोल्ट आरटीसी पर बन चुकी है, और ऑन क्यों नहीं हुआ? अपने आप ऑन नहीं होता है क्या? कहाँ होता है ऑन ऑफ स्विच? ये है ऑन ऑफ स्विच, ऑन करते हैं। देखिए सब कुछ ठीक है, बट ऑन होने की कोशिश कर रहा है और ऑन नहीं हो पा रहा है, तो मैं वो कैपेसिटर लगाता हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटर कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पावर एरिया पर नहीं लगाएंगे, ग्लिच आ जाएगा, रिपल आ जाएगी, जिसके कारण कैपेसिटर को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो कि गलत बात है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट रजिस्टर होता है उससे कहीं गुना मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैपेसिटर का है। ये बात मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ और आपने भी ये बात तजुर्बा कर लिया होगा। तो कैपेसिटर भी लग गया, अब देखते हैं ऑन करके। ऑन हुआ, ऑफ हो गया, ऑन हुआ, देखा एक कैपेसिटर की वजह से फिर ये रुका पड़ा था। तो ऑन हुआ तो कोई इंडिकेशन वगैरह रैम वगैरह लगी हुई है, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, बायस तो नहीं कर दिया बंदे ने, इसी बात का डर रहता है। ठीक है, नहीं किया है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ, ये भी लेकिन ऑन होकर के ऑफ हो रहा है। ऑन हुआ, क्या चेक करा रहा हूँ, इधर की जो कोर वगैरह की वोल्टेज होती है 0.8 ऑफ, ठीक,
कुछ बन रहा है ऑफ हो जा रहा है। तो ऑफ होने की रीज़न कुछ और भी हो सकती है। इधर क्या है 12 वोल्ट, ये रैम इस कॉइल पर 12 वोल्ट कैसे बन रहा है? अच्छा ठीक है, इन इसमें जो ना HPB नहीं है, ये NVDC है, अभी पता चल जाएगा। जो आपकी हाई ड्राइव है कोई सी भी, तो ऑन हो रहा है और ऑफ हो जा रहा है, ये कंडीशन अभी रुकी है। अभी ऑन करता हूँ, ऑन हो गया और करीब 197, पहले भी शॉर्टिंग में, देखिए खास बात है कि शॉर्टिंग में भी पहले इतना ही ले रहा था, बट डिफरेंस क्या है कि पहले ओवरलोड हो रहा था बिकॉज ऑफ LDO, और अभी क्या है वही 190 और 180 के करीब ले रहा है। बट डिफरेंस क्या मिल रहा है, मुझे लग रहा है इसकी रैम ख़राब है, बट डिफरेंस मुझे ये मिल रहा है कि इस बार प्रॉपर ऑन है। मैं अपनी लगाता हूँ DDR3L और ऑन होके ऑफ हुआ, फिर ऑन होगा क्या? ऑन हुआ, 178 मिली एम्पेयर है लोड, आगे पीछे नहीं जा रहा। तो जो भी सॉल्यूशन निकल रहा है अभी मैं इसको देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले चेक करा देता हूँ, ठीक है? अभी तक तो ऑन हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, फिर मैंने कुछ नहीं किया, वो डिस्प्ले आ चुका था जो मैं बता रहा हूँ कि वो रुक जा रहा है, रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा था, दोबारा फिर रुक गया था। मुझे यहाँ से देख के पावर सप्लाई को ऐसा लगा कि शायद जितना नॉर्मल बोर्डों में उठाता है लोड कि रीसेट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो इतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था। मुझे लगा डिस्प्ले नहीं आ रहा है, बट डिस्प्ले आ रहा था। तो मैं ऑन करता हूँ, पहली बार मैं रीस्टार्ट हुआ, ये हो रहा था जो मैं आपको बता रहा था, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा था, ठीक है? अभी अब ऑन करना होगा, तो ये पीछे ऑन ऑफ बटन है इसके, मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए यहाँ, ये ऑन किया अब, तो देखिए बस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ हल्का सा, और आप देख सकते हैं इतना ही देख पाएंगे हम लोग, बाकी तो कुछ आया नहीं मेरे पास, इतना ही बोर्ड आया है। तो डिस्प्ले यहाँ आ चुका है, अब देखिए लोड, चूँकि डुअल कोर और सेलरॉन टाइप का जो प्रोसेसर होता है, यानी ये जो इस तरह का प्रोसेसर होगा, इसके अंदर इतना लोड ही हो सकता है। देखिए कभी कभी आपको होता होगा कि नो डिस्प्ले है और 300 मिली एम्पेयर या 400 मिली एम्पेयर पहुँचा हुआ है, तो वो CPU ख़राब हो जाता है। ऐसे में जो ना CPU ही ख़राब ज़्यादा निकलेगा, समटाइम 1.8 में शॉर्टिंग निकलती है समटाइम, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको CPU में प्रॉब्लम निकलेगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अदरवाइज़ हम ये नहीं चाहते कि हम आपका रिपेयर करें। जब आप हमसे सीख रहे हो तो आप खुद से अपने से आप वो फीस निकालेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे अपने जो कोर्स पर। इसलिए कोशिश ये करिए कि अगर आप सीख रहे हैं तो आप खुद से रिपेयर करिए, मेरे पास फिर मत भेजिए, ठीक है? लेकिन जो चीज़ नहीं हो पा रहा है तो मैं भी, जैसे जो मेरे स्टूडेंट भेजते हैं बोर्ड हमारे पास, तो उसको मैं लिख के भेज देता हूँ कि क्या क्या मैंने किया है, और ये इस तरह का प्रॉब्लम दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।